तो वीडियो आपके लिए तो इंटरेस्टिंग है ही, साथ ही साथ आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस हम आपको सिखा देते हैं, आपको डायलर में आना है और गाइस आपको इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी फ्यूचर में, तो जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप इसके डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लें, आपको वहाँ भी पोको M3 के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल सकती हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको डायलर में आना है और डायलर में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 3 डॉट देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है आपको और यहाँ पे सेटिंग्स पे भी क्लिक कर लेना है। जैसे ही गाइस आप इन सब पे क्लिक करेंगे यानी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉलिंग अकाउंट का, तो इस पर क्लिक कर लें आप। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो अब डिपेंड करता है कि आप वॉइस कॉल को फॉरवर्ड कराना चाहते हैं या फिर वीडियो कॉल को फॉरवर्ड कराना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ से वॉइस कॉल को फॉरवर्ड कराएंगे, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी कॉल सेटिंग्स की कुछ जो सेटिंग्स हैं, रीडिंग सेटिंग्स चल रही है, उसको चलने देते हैं, आपको थोड़ी देर वेट करना है। गाइस यहाँ पे आपको बैक नहीं करना और होम मतलब कोई बटन नहीं छेड़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैक मतलब वेट करना है। और गाइस आपको अगर इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखनी है पोको M3 की या फिर एप्स लॉक कोई भी वीडियो देखनी है ना, तो एक बार चैनल पर जाके जरूर देख लें, आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वेट करना है और बाकी आप यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। आपकी जो सेटिंग्स हैं वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, एक सेटिंग जो रह गई है वैन अनरिचुअल वाली, तो वो भी होने ही वाली है। आपको यहीं पे करीब मेरे हिसाब से 30 to 45 seconds वेट करना है। ओके, हो गया गाइज ये। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो ऑलवेज फॉरवर्ड, वैन बिजी, वैन अनआंसर्ड और वैन अनरिचुअल, ये वाले ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो हम क्लिक करेंगे ऑलवेज फॉरवर्ड पे क्योंकि हमको कॉल फॉरवर्ड करनी है। यहाँ पे आपको कोई भी एक नंबर डाल देना है, तो यहाँ से हम एक नंबर डाल लेते हैं। ओके, तो एक नंबर ऐसे ही मैंने डाला है, ये कोई मतलब नंबर नहीं है, ऐसे ही डाल दिया मैंने। इसको टर्न ऑन करेंगे आप यहाँ से, और यहाँ से आप नंबर ले सकते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में से भी, तो यहाँ पे हम टर्न ऑन कर देते हैं। तो अपडेटिंग सेटिंग्स चल रही है, आपको थोड़ी देर वेट करना है और आपकी जो सेटिंग्स है वो अपडेट हो जाएगी और आपकी जो है वो कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी। कॉल फॉरवर्ड होने का ये फ़ायदा है कि आपके पास कॉल आएगी, आपका ये वाला फ़ोन आप घर रख सकते हैं, आपके पास जो आपका सेकंड नंबर आप डालेंगे उस पे कॉल पहुंचती है। तो गाइस आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे कॉल फॉरवर्ड करा सकते हैं। तो थोड़ी देर वेट ही करना है आपको। और गाइस मैं ओके, तो यहाँ ये हो गया ऑलवेज फॉरवर्डिंग कॉल, मतलब फॉरवर्ड ऑल कॉल्स, इस नंबर पर सारी कॉल फॉरवर्ड हो चुकी हैं। गाइज अगर आपको इनको मतलब रोकना है, अनफॉरवर्ड करना है, तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लें। यहाँ पे सिंपल सा इस पर हमको क्लिक करना है और यहाँ पे इसको अगर अपडेट करेंगे किसी नंबर के साथ तो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे टर्न ऑफ का बटन देखने को मिलेगा, तो टर्न ऑफ पे हम क्लिक करते हैं। अब जो हमारी सेटिंग्स अपडेट हो रही हैं यानी कि टर्न ऑफ हो रहा है, आपको थोड़ी देर वेट करना है, आपका जो सेटिंग्स हैं वो अपडेट हो जाएगा और आपका ये टर्न ऑफ भी हो जाएगा। तो गाइज ऑब्वियसली आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल इस वीडियो में रहा हो, तो प्लीज़ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, तो कॉल फॉरवर्ड भी हो गई और उसको मैंने अनफॉरवर्ड भी कर दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।